हजारीबाग पुलिस एकेडमी में 48 प्रशिक्षण प्राप्त सार्जेंट का पासिंग आउट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक डीके पांडे समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 6 महीनों के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 48 प्रशिक्षण प्राप्त सार्जेंट्स ने देश सेवा और राज्य पुलिस सेवा के झंडे के नीचे शपथ ली। पासिंग आउट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीजीपी डीके पांडे ने परेड की सलामी ली। उन्होंने उपस्थित प्रशिक्षण प्राप्त सार्जेंट्स के साथ साथ वरीय पदाधिकारी और लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले पुलिस विभाग में प्रशिक्षण देने वाले गुरुओं को नमन किया। उन्होंने अपने प्रशिक्षण कार्यकाल का भी जिक्र किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सार्जेंट्स का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस को भ्रष्टाचार मुक्त करने में आपकी अहम भूमिका होगी। उन्होंने झारखंड में पुलिस की चुनौतियों से भी सार्जेंट्स को रूबरू कराया। डीजीपी ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब आप पुलिस की सेवा करेंगे तो जन सेवा की भावना से करेंगे ताकि आम लोगों का पुलिस के प्रति आस्था बढ़े। केंद्र बिंदु होता है। अगर पुलिस लाइन में सब कुछ ठीक तो राज्य का, झारखंड का और जिला का सब कुछ ठीक। आपके हाथों में सेवा पुस्तिका होगी, आपके हाथों में मैगजीन राज होगा, आपके हाथों में गोला बारूद होगा, आपके हाथों में परिवहन होगा, आपके हाथों में काल कंट्रोल की जितनी सामान है वो होगा। मुझे उम्मीद है कि जितनी उम्मीद आपसे आपके प्रशिक्षकों ने की है, एकेडमी ने जिसने आपको ट्रेनिंग किया है की है, उस उम्मीद पर, झारखंड पुलिस की उम्मीद पर, इस अवसर पर प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 4 सार्जेंट्स को प्रशस्ति पत्र और 5,000 की नगद धनराशि पुरस्कार स्वरूप देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि 48 प्रशिक्षण प्राप्त सार्जेंट्स में 2 महिला सार्जेंट्स भी शामिल हैं। हजारीबाग से सुमन सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक। हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। राज्य सेवा एवं जन सेवा के लिए अपने कर्तव्य वेदी पर तैयार खड़े इन 48 प्रशिक्षकों के